हलचल टीवी न्यूज। हेलो, आइए आइए भाई, आज कितनी डिमांड है मेरी यार पांडे परिवार में। जो देखो मुझे सर सड़क पे दिख रहा है, आके मिल रहा है भाई। क्या बात है, सब ठीक है ना? लाइन से रोलिंग रोलिंग टाइम भी रोलिंग फॉर टाइम ब्लॉक रोलिंग। कितनी डिमांड है आज मेरी पांडे परिवार में, जो देखो मेरे पीछे पड़ा है। सब ठीक है ना भाई? यार चार्ज ये क्या है? हाँ ये क्या है? सोलिंग कैमरे की तरफ दिखा। एक्शन रॉक लुक। ये क्या है? ये रख, घर से तो बेघर हो ही चुके हो, हालत भी भिखारी जैसी हो गई। इसको ले जाके बाहर भीख मांगोगे ना तो इससे कई ज्यादा मिल जाएगा, तुम्हारी शक्ल कर देगी। अरे ओ PQRST, इससे भी ज्यादा कोई बकवास करनी? हाँ काम की बात करें, थपकी तुम्हारी भी दुश्मन है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा उसके साथ कुछ करो। लेकिन कैसे? I know, ध्यान में धक्के मार के लात मार के बाहर निकाल दिया ना तुम्हें। सुना मैंने लाउड एंड क्लियर, लेकिन मैं तुम्हें उस घर में दोबारा वापस भेज सकती हूँ। और इतना होने के बावजूद वो लोग तुम्हें किसी भी हालत में उस घर से बाहर नहीं निकालते, पर तुम्हें मेरी बात माननी है। पर ये मुमकिन कैसे? मुमकिन है ना, बिल्कुल मुमकिन है। देख ध्यान से सुन रहे हैं उसकी बातें? बिल्कुल काम की बात, तुम्हारी बातें हो रही है, साला इसमें तो मेरा फायदा ही फायदा है। चलता लेफ्ट बैलेंस चार्ज, बोलते रहो। ये तुम ध्यान सुन रहे यार, कमाल की लड़की है, तो पूरा लाइफ बना देगी मेरा। चलता लेफ्ट हल्का सा कंटिन्यू। जय हो। भाई सॉरी, खांसी। हल्का सा लेफ्ट बैलेंस। हां स्वॉलिंग। जय हो। लेफ्ट। ओहो, तो देवी निकली यार, तू मुझसे भी बड़ी विलेन हो, मुझसे 400 गुना ज्यादा सोचती हो, क्या बात है। हो गई मस्ती, अब थोड़ा काम कर दे। अब जैसा मैंने तुम्हें कहा श्री गणेश करो। जय हो, ये मैं रख लेता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू। अरे ओ, और तुम थपकी बहुत खुश नजर आ रही हो। अरे भाई अपने पति के साथ कर ले, बाइक में बैठ के घूमने जो जा रही हो, चौपाटी जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे, हाय हाय हाय। लेकिन भाई ये जो तुम्हारा पति है, इसी ने तुम्हारी जिंदगी की बैंड बजाई। भूल गई अपने पहले और सच्चे प्यार ध्रुव को? वही ध्रुव जिसकी तुम दीवानी थी। कीप रिएक्टिंग। लेकिन इस आदमी ने क्या किया? वो तो बेचारा शादी के लिए तैयार था, शादी के लिए शेरवानी पहन के। याद करो पुरानी चीजें। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट, इस आदमी ने पूरी की पूरी बाजी ही पलट दी। यस, और तुम्हारे साथ भूल गई तो इस आदमी ने ये बचाई है तुम्हारी जिंदगी की पूंजी। इमोशनल बताना सर, हमें आ जाओ। पुंकी तो हम तेरी बजाते हैं, समझता क्या है तू अपने आप को? अरे छोड़, हट। क्या यार, बात पे कॉलर पकड़ लेता है, उठा लेता है, बात पे उठा लेता है हाथ से मुझे। हाथ से नहीं, तुझे तो हम इस दुनिया से उठा देंगे। याद रख, और तू हमसे बराबरी कर रहा है। नियत देख अपनी, तूने अदिति से शादी इसलिए की ताकि तू उसके परिवार को और उसको बेइज्जत कर सके, जलील कर सके, हमने नहीं। और तू सुन, संभल जा, अब भी कह रहे हैं संभल जा, अभी तो सिर्फ परिवार के सामने बेइज्जत किया है, अगर दोबारा ऐसी कोई गलती की ना तो जमीन में खड्डा करके उसमें गाड़ देंगे तुझे, समझा? समझ गया।
अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ, जाने की जरूरत क्या है भाई, तुमने ही इस बेचारी की जिंदगी की बैंड बजाई है। मैंने तो बोल के जो किया, तुमने तो बिना बोले बेचारी की जिंदगी बिगाड़ दी। अरे रे रे रे, बेचारी की अच्छी खासी जिंदगी थी, पूरी की पूरी बर्बाद कर दी तुमने विहान पांडे। अरे होल्ड 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 होल्ड, जाना मत अभी। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे पूरी जिंदगी बिगाड़ दी। दो थपकी में दो टाइट थपकी रिएक्टिंग एंड विहान स्लोली मूव। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ भाई रुक जाओ रुक जाओ। अरे कहाँ टाइम आपने उमरी नाइस ले गया रे वापस ले गया रे। यस बिल्कुल, आउटडोर शूट करने में वैसे भी हम लोगों को बहुत मज़े आते हैं, और आज भी ऐसा ही हुआ कि हम लोग यहाँ खंडाला घाट पर शूट कर रहे हैं एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट शूट ऑन खंडाला घाट। और बहुत ही प्यारा सीक्वेंस रहा ये, जिसमें दिवाकर मेरा बिहान का एंड श्रद्धा का ये सीक्वेंस था, एंड आई होप सो व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा ये सीन। ये सीन में देखा बिहान और आप काफ़ी मज़े ले रहे थे। एक्चुअली फिल्म एक तो ये बाइक और ये वही बाइक है। ये बहुत पुराने हमारी मतलब FZS जो ये बाइक है, मतलब ये मेरी नहीं है, सेम इसी में दूसरे कलर की बाइक जो मेरे पास जयपुर में थी और जहाँ जिस पे हम दोनों अक्सर घुमा करते थे, तो वही कहानी है। तो हम वैसे ही फिल्म सिटी का मौसम इतना अच्छा हो जाता है तो हम लोगों को मस्ती चढ़ जाती है, हम लोग मस्ती करते हैं और सीन भी दौड़ने भागने का था। हमने शो किया था हम दोनों ने एक साथ जयपुर में, तो मोस्टली ही यूज़ टू पिक मी एंड वी यूज़ टू गो टुगेदर ऑन द सेट्स, एंड ऐसे ही बाइक पे ऐसे जाते थे दोनों, तो वो यादें सारी आ गई वापस। एंड ये वैसे ही बहुत तेज चलाता है, मुझे इतना डर लग रहा था आफ्टर सो लॉन्ग, लाइक आफ्टर 2-3 ईयर बाद मैं इनके पीछे ऐसे बैठी हूँ, एंड वही सेम वही रहा एक्सपीरियंस। इसके आगे आप देखेंगे मैं कार में हूँ और ये मेरे बगल वाली सीट में पैसेंजर सीट पे बैठी है। अच्छा वो तो खैर मुझे ही नहीं पता। एक्चुअली ये सीन कुछ इसकी इसकी फैमिली के बाहर जो एक सीन हुआ था जहाँ मैं दिवाकर उसके घर से बाहर निकलता हूँ उसके बाद का है, जहाँ दिवाकर मुझे हमें आधे रास्ते में रोकता है और आधे रास्ते में रोकने के बाद वो अपने अपने वो बोलता है कि मुझे टॉन्ट्स पास करता है कि मैं ऐसा हूँ तो तुम भी तो ऐसे हो। फिर जहाँ हम दोनों की काफ़ी अच्छी झड़प होती है और मैं उसे फाइनल एक वार्निंग देता हूँ कि अगर आज के बाद दोबारा मुझे मिल गया तो फिर तेरा खेल खत्म है, ये वो ये वो। तो जहाँ जो मुझे उसने टॉन्ट मारे वो कहीं और लगे, बेसिकली प्रोवोक कर रहा है वो बिहान को, एंड ज़बरदस्ती तुम मेरे भाई हो भैया, और मैंने भी अदिति से शादी किया, थपकी की बहन से, तुमने भी धोखे से शादी किया, मैंने भी अदिति से धोखे से शादी किया, हम दोनों तो भाई भाई हैं, यू नो ही इज ट्राइंग टू प्रोवोक हिम। और तो उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो। हाँ उसने मुझे भी बहुत भला बुरा कहा कि इसने मेरे को भड़काना चाहा बिहान के खिलाफ कि बिहान ने धोखे से शादी किया, तुम भूल गई थपकी, ध्रुव सर थे तुम्हारे पहले प्यार, और ये सब बोला उसने काफ़ी। एंड आई थिंक ये वही लोकेशन है जहाँ पर काफ़ी सारे वो प्लान हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लान हो रही हैं श्रद्धा और दिवाकर के बीच में। यहाँ पे प्रोवोक होंगी क्या दिवाकर? इम्प्रेस हो गई मेरे को लग रहा है। आई डोंट थिंक सो, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं प्रोवोक होंगी उसकी बातों से, बिकॉज मैं जानती हूँ कि वो किस टाइप का इंसान है, कैसे इंसान है। लेकिन सदमे में चली गई। यस ऑफ कोर्स, मुझे वो सारे फ्लैशबैक वापस आ गए हैं, जिस तरह मेरी शादी हुई थी बिहान से धोखे से, तो यस मैं थोड़ी अपसेट हो गई। थैंक यू सो मच की वाचिंग। यू डू यू डू राइट पे मेरा सामान है। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।